Hello kids, how are you? I hope you all are fit and fine. Today my subject Hindi. आज आपको क्या पढ़ना है पता है? हिंदी में लिखना है, पिक्चर को देख देख के वहाँ पे लिखना है. So first of all हमें क्या करना है? प्रेयर करनी है, गॉड को याद करना है. हमें पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले गॉड को प्रेयर करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें पढ़ाई करनी है. तो ज्वाइन करें हैंड्स को, ज्वाइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो स्टार्ट करें, कैसे लिखना है? आपने ये पढ़ा था ना, मैंने आपको सिखाया था इसे इमली. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ये ब्लैंक है तो इसमें क्या लिखना है? इसे इमली लिखना है. तो आपको कैसे लिखना है पता है? चलो मैं आपको बताती हूँ. एक सीधी लाइन करनी है, फिर एक छोटी सी खड़ी लाइन. इसे इमली, क्या है ये? इसे इमली. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे है? आप पिक्चर देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कौन सा पिक्चर है? वेरी गुड. आसे आम, आधा गोल बनाना है, फिर उसे जॉइंट करना है आधे गोल के साथ, फिर एक छोटी सी सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन और एक सीधी लाइन. क्या है ये? आसे आम. क्या है? आसे आम. आपको ये पिक्चर देख के पता चल रहा है क्या है, कौन सी पिक्चर है? ओखली है. मम्मी अदरक लहसुन कूटती है ना, ओखली में चाय बनाती है तो अदरक कूट के डालती है ना, तो किसका यूज़ करती है मम्मी? ओखली, ओखली में कूटती है. तो यहाँ पे क्या लिखना है? उसे ओखली, ऐसे लिखना है. खड़ी लाइन, फिर एक और खड़ी लाइन और ओ की मात्रा. इसमें हमें क्या करना है? ओ की मात्रा लगानी है ऐसे. समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? ये क्या है पता है? कौन सी पिक्चर है? ऊन. ऊन, ऊन आपको पता है? ऊन आपने देखा होगा, आपका स्वेटर, आप जो स्वेटर पहनते हो ना विंटर सीजन में, तो ऊन से बनाते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? उसे ऊन. ऐसे आधा गोल बनाना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है आधे गोल के साथ, और उसके बाद ऐसे आधा गोल नीचे, और फिर ऐसे सीधी लाइन. ये क्या है? ऊन, उसे ऊन. अब यहाँ पे कौन सी पिक्चर है आप देख रहे हो? हाँ, क्या है? अंग से अंगूर. आपको पसंद है ना अंगूर, आप खाते हो ना? हाँ. तो यहाँ पे कैसे लिखना है आप देखो, पहले ऐसे आधा गोल बनाना है, फिर इसे ज्वाइन कर देना आधे गोल के साथ, फिर एक सीधी लाइन बनानी है और एक खड़ी लाइन बनानी है, और यहाँ पे एक सीधी लाइन. बट इसके ऊपर क्या करना है पता है आपको? छोटा सा बिंदु बनाना है, ऐसा गोल. अंग से अंगूर, क्या है? इसे इमली, आ से आम, ओ से ओखली, बड़ी उसे ऊन, अंग से अंगूर. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा पिक्चर दिख रहा है? अंग से अंडा. अंग से अंगूर भी होता है, अंग से अंडा भी होता है. तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? ऐसा ही अंग से अंडा लिखना है. पहले ऐसे सर्कल बनाना है, आधा गोल बनाना है, और फिर आधा ही गोल के साथ ज्वाइन कर देना है, फिर एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन और एक सीधी लाइन, और इसके ऊपर क्या करना है पता है ना? छोटा सा बिंदु बनाना है, ऐसा छोटा सा डॉट. ओके, ये क्या है? आप दिख रहे हो, देख रहे हो क्या है? उल्लू. उल्लू क्या करता है पता है? रात को जागता है. उसे उल्लू, कैसे लिखना है दिखाऊं आपको? पहले ऐसे आधा गोल बनाना है और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, और इसके ऊपर सीधी लाइन बनानी है. क्या है ये? उसे उल्लू. ये क्या है पता है? अनार. इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोमीग्रेनेट भी बोलते हैं. अनार में क्या होता है पता है? बहुत सारे दाने होते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट. तो कैसे लिखना है उसे अनार? पहले ऐसे आधा गोल और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है आधे गोल के साथ, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन के साथ ज्वाइन करना है, और यहाँ पे सीधी लाइन और से अनार.
यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो, वेरी गुड, इसे ईक। कैसे लिखना है इसे ईक? देखो मैं बताती हूँ, पहले एक सीधी लाइन करनी है और एक छोटी सी खड़ी लाइन, फिर सर्कल ऐसे आधा गोल बनाना है और आधा गोल बना के इसे घुमाते हुए नीचे लाना है और इसके ऊपर भी हमें छोटा सा आधा गोल बनाना है। इसे ईक, बड़ी से ईक। ये क्या है? दादाजी का चश्मा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? ऐनक। हमें हिंदी में क्या बोलना है उसको? ऐनक बोलते हैं। तो ऐनक कैसे लिखते हैं पता है? पहले ऐसे एक सीधी लाइन करनी है, उसके बाद एक छोटी सी खड़ी लाइन और फिर ऐसे ऐसे नीचे ले आना है और आधा गोल ऐसे करना है और इसके ऊपर एक ही मात्रा बनानी है हमें। मैंने सिखाया था ना आपको मात्रा, तो इसके ऊपर एक ही मात्रा बनानी है, ऐसे ऊपर ले जाना है, ऐसे यहाँ से ऊपर ले जाके ऐसे गोल बना देना है। क्या है? अम से अंडा, उसे उल्लू, अ से अनार, बड़ी से ईक, ए से ऐनक। स्टूडेंट, दिस इज आवर हिंदी बुक, हिंदी अक्षर लेखन। सो लेट स्टार्ट, ओपन योर बुक, पेज नंबर 29। ये पेज नंबर 29 मैंने आपको पता है बोर्ड पे करवाया था, इसे इमली, आसे आम, उसे ओखली, याद है ना आपको? अभी मैंने करवाया ना आपको बोर्ड पे। तो अब हमें क्या करना है, इसके पीछे मैचिंग करना है, जोड़ मिलाओ। तो ये अक्षर है ना, अक्षर के साथ हमें चित्र को जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है? अ से अनार, तो अनार का पिक्चर कहाँ है? चित्र ये रहा, अनार का चित्र ये रहा। तो ऐसे इसको मिलाना है अक्षर के साथ और चित्र के साथ, इसको जोड़ मिलाना है, मैचिंग करना है। अब ये कौन सा अक्षर है? आ, आ से आम, तो आम का पिक्चर कहाँ है? चित्र, आम का चित्र ये रहा। तो मैचिंग करें ऐसे, ऐसे आम के पिक्चर चित्र के साथ जोड़ मिलाना है। ये क्या है? इसे इमली, इमली का चित्र कहाँ है? ये रहा। स्टूडेंट दिख रहा है ना आपको? ऐसे। ये क्या है? बड़ी से ईख, तो ईख कहाँ है? ईख का चित्र ये रहा। तो ऐसे जॉइंट करना है ईख और ई के चित्र के साथ, बड़ी से ईख। ये क्या है? उसे उल्लू, तो उल्लू का चित्र कहाँ है हम ढूंढे? ये रहा, दिस इज उल्लू। क्या है ये? उल्लू, उसे उल्लू। अब ये क्या है? बड़ी उसे ऊन, ऊन कहाँ है? ये रहा, दिस इज ऊन पिक्चर। ये क्या है? बड़ी उसे ऊन। अब ये क्या है आपको पता है? ऐसे एड़ी, एड़ी कहाँ है चलो ढूंढे हम, ऐसे एड़ी, ये एड़ी। ऐसे ऐनक, ये रहा ऐनक। अभी ओसे ओस, ओस कहाँ है? ये रहा ओसे ओस। अब क्या है ये? औषे, औषध्य, औषधि मतलब मेडिसिन, हमारे घर में होती है ना दवा। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पिक्चर देख के हमको चित्र देख के गोल बनाना है अक्षर के ऊपर। तो ये क्या है? औसे अनार, तो औसे अनार कहाँ है? यहाँ पे हमको गोल बनाना है औसे अनार के ऊपर, अक्षर के ऊपर। ये क्या है? इसे इमली, कहाँ है इसे इमली? ये रहा, तो इस पे गोल बना है ई के ऊपर ऐसे। ओसे ओस, तो कहाँ है ओसे ओस? ये रहा, तो इस पे गोल बनाना है। अब आसे आम, आम कहाँ है? आम का अक्षर ये रहा, तो यहाँ पे ऐसे गोल बनाना है। अंग से अंगूर, तो कहाँ है अंग से अंगूर? ये रहा, ऐसे गोल बनाना है इसके ऊपर। अब ये क्या है? ऐनक, तो कहाँ है ऐसे ऐनक? ये रहा, ओके। अब ये क्या है? बड़ी उसे ऊन, तो कहाँ है ऊन? ये रहा, ऊन के ऊपर सर्कल बनाना है।
ऐसे एड़ी, तो ऐसे एड़ी ये रहा, ये क्या है औषे औषध। तो गोल बनाना है अक्षर के ऊपर। ई से ईख, बड़ी ई से ईख, तो इस पे स्टूडेंट अब हम कौन सा पेज निकालेंगे, पेज नंबर 6। यहाँ पे हमें पैटर्न लिखना है, तो कैसे लिखना है, ऐसे आधा गोल बनाना है और फिर ऐसे आधा गोल के साथ जॉइन करना है, ऐसे आपको लिखना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है ऐसे, इससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये आपका होमवर्क, 3 लाइन आपको खुद से लिखना है। ये ऐसे आधा गोल बनाना है, ब्लू लाइन से नीचे ब्लू लाइन तक आना है, ऐसे आधा गोल बनाना है, ओके। और ये आपका होमवर्क, नेक्स्ट ये वाला, इसमें भी आधा गोल बनाना है ऐसे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है स्टूडेंट, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना यहाँ पे आपकी हिंदी में राइटिंग बहुत अच्छी निकलेगी। ये आपका होमवर्क, 3 लाइन होमवर्क करना है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें ऐसे पूरा गोल बनाना है, सर्कल ऐसे पूरा गोल, ओके। और ये आपका होमवर्क, ये 3 लाइन 3 बॉक्स में ये 3-3 लाइन आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट आपको ये वाली पैटर्न, ये यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है। अब हमें क्या लिखना है पता है, ऐसे ये वाला पैटर्न, ऐसे नीचे से ऊपर जाना है, घुमा के फिर नीचे लाना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऐसे गोल घुमाते हुए नीचे लाना है, फिर ऐसे ऊपर जाना है, फिर ऐसे नीचे आना है और फिर से ऐसे ऊपर जाना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर जाना है, एक गोल बनाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है और फिर ऐसे ऊपर। और ये आपका होमवर्क। अब ये वाला देखिए कैसे करना है, ऐसे आधा गोल फिर आधा गोल, इसे इमली लिखते हैं ना, तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे फिर ऐसे। और ये आपका होमवर्क। अब ये वाला पैटर्न करनी है, ऐसे फिर ऐसे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ऐसे नीचे से ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, ऐसे नीचे से ऊपर जाना है और फिर से नीचे आना है। और ये आपका होमवर्क। अब ये वाला ऐसे ऊपर से नीचे आना है और फिर ऊपर जाना है, इसके जैसा ही लिखना है बट ये उल्टा थोड़ा, ये ऐसे ऊपर से नीचे आना है फिर ऊपर जाना है, फिर से ऐसे, ओके स्टूडेंट। ये आपको कंप्लीट करना है पूरा होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट ये वाला, ऐसे नीचे से ऊपर जाना है फिर ऐसे करके ऐसे लिखना है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको, वेरी गुड, ऐसे ही लिखना है आपको। ये आपका होमवर्क। अब ये ऐसे ऊपर से नीचे आना है और फिर ऐसे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको, ऐसे, ओके। और ये आपका होमवर्क।